बेटी हा? क्या हुआ भी? बेटी तुझे क्या हुआ? विजय जल्दी डॉक्टर को फोन अच्छा। कर सुनीता बच्चा होने वाला है, तेरा भाई बाप बनने वाला है। तो फिर माँ कौन है? तेरी भाभी रे। अच्छा भैया कांग्रेचुलेशन। जुम तक जुम तक जुम जुम जरा जुम तक जुम तक जुम 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 तक जुम तक जुम जुम जरा जुम तक जुम तक जुम 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 सबसे अच्छा ये दिन नारी के जीवन में मेरा भी नाचे मन भाभी की खुशियों में बरसेगा आनंद भी जब हो गया मुन्ना मेरा रोशन करे दादाजी को बड़ा हो के पोता मेरा हर दिन दीपे उत्सव जैसा मस्तियों भरा घर में आया दिन ये सुहाना खुशियों भरा जुम तक जुम तक जुम जुम जरा जुम तक जुम तक जुम 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 तक जुम तक जुम जुम जरा जुम तक जुम तक जुम 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 राम जी की कृपा हुई गोद सुहागन की भर गई भाभी के जीवन में बसंत हो भैया की आंखों में आनंद हो नाचूंगा गाऊंगा नन्हे से बबुआ के स्वागत में पलके बिछाऊंगा मैं राम जी की कृपा हुई सुहागन की भर गई राम जी की कृपा हुई सुहागन की भर गई तो विजय नहीं होगी सुनीता मां बन रही है इसीलिए तू प्रसन्न है वो शिशु बचेगा नहीं बचने नहीं दूंगा तुझे पराजित करूंगा करके ही रहूंगा ओम क्रीम अश्वत्थ प्रया शुद्ध किंकर परिपालिका साका शक्ति कपालिका प्रसन्न हो जा दुष्ट शक्तियों को पूजने वाले इस तंत्र की पुकार सुन ले उत्तर क्यों नहीं देते सुन ले शुद्र देवताओं की पूजा का तीनों लोगों में प्रचार करके दंड पाने वाला यह तंत्र अपने प्राण शक्ति की बलि चढ़ा रहा है देने। अभिषेक कर अपने प्राणों का नैवेद्य अर्पित कर मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया है इस कारण ये धागा अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करके अपनी क्षुद्र माया के प्रभाव से उस देवी को केवल 5 क्षणों के लिए शक्तिहीन कर देगा बस हो गया धागा मैं संतुष्ट हूं केवल 5 क्षण के लिए देवी को शक्तिहीन कर दे तो उस समय के अंतराल में उसे पराजित कर दूंगा ये क्या कॉम्प्रेस टैबलेट्स क्यों नहीं खाई नाखून क्यों काट रही हो रोज 2 टैबलेट खाने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है बोला था ना आप क्या बहुत बड़े डॉक्टर हैं देखिए मैडम धर्म पत्नी जब प्रेग्नेंट हो तो हस्बैंड को डॉक्टर बनना ही पड़ता है ऐसा डॉक्टर बुद्धूराम ने कहा है आपकी तरह कोई बीपी पेशेंट होगा ये क्या बीपी बढ़ गया है आपकी चीखें सुनकर मुझे छोड़ दीजिए वेट सुनीता बीपी तो चेक करने दो नहीं नहीं मेरी बात सुनो मुझे Thank you.
सॉरी, बच्चा मर गया है। ऑपरेशन करके माँ की जान बच जाए तो आपका नसीब है, समझ लीजिए। नर्स फॉर्म लेकर आएगी, उस पर आप साइन कर देना। 3 बजे ऑपरेशन है। उस शिशु के जन्म नक्षत्र और राशि फल के प्रभाव से सुनीता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं अपनी आत्मशक्ति तुम्हें वरदान में दे रहा हूं। तैयारी करो। लड़का हुआ है। ओम वास्तोष्पदे प्रतिदाने किस्मास्मामे सो अनमेवो भवानः यत्ते मही प्रतिदंडो यशस्वनमेधिः द्विपदे संचतुष्पदे प्रदेशग्वयाशकम् सराते चक्षेमहि। बाबूजी, बालक का नाम क्या रखने वाले हैं? इसके दादाजी का नाम रखेंगे, वीरेंद्र सिंह ठाकुर। जी वही। ये नाम चावल पे लिखिए। वीरेंद्र सिंह ठाकुर। बाबूजी, नामकरण के बाद पंचदान करने की प्रथा है, करवाऊं? ओम गोदानम गोदानम, ओम भूदानम भूदानम, ओम स्वर्णदानम स्वर्णदानम, ओम वस्त्रदानम वस्त्रदानम, ओम आयुर्दानम। देवी, सुनीता का शिशु होते ही उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। वो नागराज की भविष्यवाणी आज सत्य होकर अब इस शिशु का नामकरण हो रहा है, इस बात से प्रसन्न हो तुम? शिशु को मार दिया था, किंतु अपने पिता की आत्मशक्ति से तुमने उसे पुनर्जीवित कर दिया है ना? कदापि नहीं छोड़ूंगा, तू विजय नहीं होगी, तुझे पराजित करूंगा। देवी, दादा का मालिक को तृप्त करके तुम्हें 5 क्षण के लिए बंदी बना लिया था। तुम्हारे 5 क्षण तक शक्तिहीन होने के कारण उस मृतक शिशु के शरीर में एक बार पुनः जीवन डालने में तुम्हारा 5 क्षण का समय नष्ट हुआ है। देवी, इस कारण शुभ राशि में जन्म लेने वाले उस बच्चे का अशुभ राशि में जन्म हुआ है। उसके ग्रह चक्र के भाग्य के सभी ग्रह उल्टे होकर दुर्भाग्य में परिवर्तित होकर वो पिता की मृत्यु का कारण बना है। बच्चे के जन्म के 21 दिन उसके पिता के सर फटने के कारण मृत्यु हो जाएगी। ये मेरी खींची हुई मृत्यु रेखा है, उसकी मृत्यु को तुम तो क्या, वो विधाता भी बदल नहीं सकता, कदापि नहीं। बच्चा मर गया तो सुनीता का एक और बच्चा हो सकता है, यदि पति मर गया, यदि सुहाग ही मिट गया तो वो ही नरकी यातना है स्त्री के लिए। उसे देखकर तो घुट घुट कर विलाप करती रहेगी। देवी, विजय मेरी हुई है, देवी पराजित हुई है, मैं विजयी हुआ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मेघवदनं। मंत्र ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं आप, जरा सोच समझ कर। नहीं जी, मैं ठीक से ही पढ़ रहा हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं देवी, उम्र में छोटी हो फिर भी मेरे जीवन में आज तक जो भी शुभ कार्य हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मेरे हाथों से ये सुहागन का जोड़ा लेकर मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दो। हुँ।
को विधाता भी बदल नहीं सकता। सुनीता जब जाग जाए तो उसे बता देना कि मैं चला गया। ठीक है, चलता हूँ दादी माँ, वापस आने में 20-25 दिन लगेंगे। विजय आवारों की तरह मत घूमना। जी भैया। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे डरती क्यों, बताया था तो मैं भूल गई, प्रोजेक्ट के काम से मुझे जाना है, वहाँ काम धीमे चल रहा है, देखने जा रहा हूँ। मत जाइए, न जाने क्यों बहुत ही बुरे सपने देख रही हूँ। हफ्ते दो हफ्ते के बाद जा सकते हैं ना? आज तक इस घर में एक ही औरत थी जो इन बातों को मानती थी, लेकिन अब तो एक नहीं दो दो हो गई है। देखो, नींद में जो सपने देखते हैं उन्हें जाते ही भूल जाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भी एक सपना बन के रह जाएगी। तुम घबराओ मत, बच्चे का ख्याल रखना। उनका कहना ये है। तुम चलो, बाय सुनीता। तो अपना ख्याल रखना। देखिए ना, मेरी बात टाल कर जा रहे वो। दिल कहता कि कुछ होने वाला है, जरूर कुछ होने वाला है, मन में बुरे ख्याल आ रहे, मेरा जी घबरा रहा है दादी माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी, नामकरण के दिन मैंने मन्नत मानी थी कि गांव के मंदिर में देवी देवताओं के लिए नैवेद्य चढ़ाऊंगी। मैं तो बड़ी भुलक्कड़ हूँ, भूल गई। तुम आज रात को ही जाके मन्नत पूरी करो, ऐसे बुरे सपने कभी नहीं आएंगे।